हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज देखिए, आज अष्टमी का दिन है, जैसे आज महाअष्टमी पूजा है। तो आज के दिन ना, मतलब ये पूजा ना मेरा एक तो शुरू में होता है, एक ये अष्टमी में होता है। तो आप सभी को अष्टमी पूजा की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएँ। और यहाँ पे ना मैं जैसे पहले दिन करती हूँ ना, तो उसी तरह आज के दिन भी इसी तरह पूजा मैं करती हूँ। और आज मैं यहाँ कर लेती हूँ, क्योंकि घर में ना अभी सब लोग सोए हुए थे, तो सब उठे नहीं हैं। तो पूजा वगैरह करने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि रात तक घूमते हैं ये लोग, और उसके बाद मेरा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं यहीं पे कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अच्छे से धुलाई पुछाई कर दिया है। और यहाँ पे देखिए, अभी सुबह मॉर्निंग का ही है, ये सब पानी उनी सब मैंने साफ सुथरा से भर के रखा हुआ है। और फिर यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह स्टार्ट कर दिया है करना, और उसके बाद वहीं पे जाऊँगी जहाँ हर बार जाती हूँ पूजा करने। और यहाँ पे मैंने ये टिंडे जो होते हैं ना, ये कोयले के होते हैं, तो ये जल्दी ही जल जाते हैं। पहले गैस पे मैंने थोड़ा सा इन्हें सेक लेती हूँ, उसके बाद फटाफट से जल जाते हैं। उसके बाद मैं अभी निकल रही थी अपने पूजा में करके आऊँगी। उसके बाद अभी देखिए, मेरा यहाँ पे ना मेरा कुछ काम है, तो अभी मैंने गैस उस तब रात में ही पोछ के रख दिया था। और ये आटा दिखा रही थी कि अभी महाअष्टमी पूजा है, तो पंडाल में जाऊंगी, तो वहाँ पे ये आटा का हलवा और पूड़ी बनाऊंगी। तो बस उसी के लिए यहाँ पे साफ़ सुथरा आटा मैंने रखा हुआ था पहले से। और यहाँ पे पहले हलवा बना लेती हूँ, फिर आटा लगा के रख दिया था मैंने थोड़ा। और ये चढ़ाना होता है हमें पंडाल में और शीतला मंदिर, दो जगह जाके चढ़ाते हम लोग। तो और भी चीज़ रहता है उसके साथ में, फल मिठाई चुनरी आलता सिंदूर, तो वो सब थाली में ना मैंने सब कुछ मतलब सजा के रख दिया है। सिर्फ पूड़ी हलवा ही रखना बाकी है। तो पूजा करने के आने के बाद पहले पूड़ी हलवा बना के, तो फटाफट से यहाँ पे मतलब सेक लूँगी। हलवा बनाने के बाद पूड़ी बना लूँगी। और इसमें आटा सेक गए थे, तो इसमें मैंने चीनी डाल दिया और घी पहले ही ऐड कर दिया था। और यहाँ पे देखिए, ज़्यादा लाल करके नहीं बनाते हैं। जो हलवा पूड़ी चढ़ाते हैं ना, तो उन्हें वैसे जलाना नहीं चाहिए, वो जितना मतलब जला के नहीं चढ़ाना चाहिए। जितना वाइट वाइट दिखेगा ना, उतना अच्छा है। तो बस मैंने यहाँ पे आटे का हलवा बना लिया है। और यहाँ पे आठ लोई का जो तो अष्टोई होता है ना, तो वो छोटी छोटी पूड़ियाँ बनती है, वही चढ़ते हैं। तो बस ये आठ पूड़ी का लोया मैंने बना लिया है। तो चार चार करके अष्टमी है ना, तो चार चार करके चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ये फटाफट से मैंने आटा लगा के रखा हुआ था ना, तो ये सेट हो गया है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं पूड़ियाँ सेक ले रही हूँ। और जो छोटी सी पहले मैंने सेक के रखी थी, तो वो नीचे गिर गया, तो आँच मतलब बहुत ज़्यादा आँच तेज हो गई थी। तो ये वापस मैंने फटाफट से सेकना स्टार्ट कर दिया है। फिर यहाँ पे थाली तो मेरी मतलब तैयार होकर मैंने रख दिया है, बस ये पूड़ी हलवा मत ले लेंगे। उसके बाद ये लोग भी अभी उठ गए हैं, सभी लोग उठ के फिर से ये लोग घूमने चल गए, कोई नहाने धोने में लगा पड़ा है। तो बस मैं अपना काम में लगी पड़ी हूँ, और काम करके ना साड़ी वगैरह पहनूंगी आज। तो साड़ी पहनने में मेरा काफ़ी लेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेट देरी मतलब वैसा साड़ी पहन मुझे आता नहीं है ठीक से साड़ी वगैरह पहनने। और इसीलिए तो जैसा भी मुझे आया था वैसा मैंने पहन लिया था। और यहाँ पे देखिए, ये मेरी बातों में मेरी पूड़ियाँ सिक गई है, दो और बची हुई है, तो इसे भी मैं फटाफट से सेक लूँगी। और ये पूड़ी हलवा ना चढ़ाने का ना एक मतलब वो होता है ना, कि आज से एक हफ्ता जो रहता है ना, तो उस समय हम लोग पूड़ी वगैरह कुछ भी नहीं बनाते हैं। तो आज अष्टमी वाले दिन ही पूड़ी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, और उसके पहले पूड़ी हलवा कढ़ाई चढ़ा के नहीं बनाते, क्योंकि अष्टमी वाले दिन चढ़ता है ना, इसीलिए। तो ये सेम है जैसे अब वो जो नवरात्र पड़ता है ना गर्मी वाला, उसमें भी ऐसे ही करते हैं, और इसमें भी। तो वो वाला तो घर में ही चढ़ता है, फिर उसके बाद शीतला मंदिर सभी जगह चढ़ता है, और ये दुर्गा पंडाल में और शीतला मंदिर, तो सभी के यहाँ अपना अपना अलग अलग नियम होते हैं। और हमारे यहाँ जैसा नियम है हम वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरी पूड़ियाँ मतलब मैंने जब बना लिया था ना, तो मैंने सोचा कि घर के लिए भी पूड़ियाँ बना लूँ, तो फटाफट से सारे मतलब थोड़े थोड़े करके मैंने लोइयाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो सारे पूड़ियाँ सेक के अलग अलग रख दूँगी, क्योंकि चढ़ाने वाला अलग और ये वाला अलग रख दूँगी। तो फिर आके ना मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो पहले मैं परात सजा लूँ, उसके बाद ही मैं अपना
ये करूँगी। तो उसके बाद परात वगैरह सजा के मैंने रख दिया ढक के, और वही सब है आलता सिंदूर जो जो मैंने बताया था सब कुछ मैंने करके रख दिया ढक के, क्योंकि फिर बाद में मेरा कुछ ना कुछ वीडियो बनाते समय ना मेरा कुछ ना कुछ रह जाता है, भूल जाती हूँ, तो इसीलिए पहले मैंने कर दिया। फिर उसके बाद मैंने आलता लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि साड़ी जो मेरा है ना वो क्रीम और वाइट कलर का है, तो उसमें कलर ना लग जाए इसीलिए मैंने पहले आलता लगा लेना सही समझा, क्योंकि बाद में पैर वर में पानी वगैरह पड़ेंगे ना तो वो साड़ी ख़राब हो जाएगा, इसीलिए दाग हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे फटाफट से मैं पहले आलता लगा लिया था मैंने, और ये देखिए कितना अच्छा मैंने आलता लगाया है, और काफ़ी लेट तक लगाती रही ताकि डिजाइन अच्छे से मेरा बन सके। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही सुंदर सा पहले फर्स्ट टाइम मैंने इतना अच्छा और बारीकी से अपना पैरों में आलता लगाया है, और आलता लगाने के बाद थोड़ा देरी मैं इसे सुखा लेती हूँ, उसके बाद मैंने साड़ी पहन लिया है और ज्वेलरी भी मैंने पहन लिया, फिर बाल बनाऊँगी ना तब इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। तो ये अभी साड़ी मुझे जैसे आया वैसे मैंने पहन लिया, और उसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ, और रेडी होने के बाद परात वगैरह सब सज चुकी है, और उसके बाद हम लोग अभी निकल गए हैं दुर्गा पंडाल के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने दोनों जगह का जो है ना चढ़ाने का चीज़ एक ही थाली में ले लिया है, बड़े थाली में, तो इससे क्या है ना कि दो थाली में ले जाने से ना मतलब फिर वीडियो बनाने में दिक्कत होता है, तो इसीलिए एक थाली में ही लिया था मैंने। तो आधा आधा कर दूंगी, तो इनको समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने समझाया कि मैं इनको बता रही थी कि मैं दो जगह का ली हूँ, एक यहाँ के लिए एक शीतला मंदिर के लिए, तो ये अलग अलग इनको मैं दे देती हूँ चढ़ाने के लिए, उसके बाद हम लोग शीतला मंदिर के लिए भी निकलेंगे। तो यहाँ पे जो जो मैं लाई थी चढ़ा दिया मैंने, दे दिया, और उसके बाद हम लोग अभी शीतला मंदिर के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने पूजा वूजा कर लिया था, और इतना लंबा लाइन था ना कि क्या ही बताओ, और लाइन लगाने के बाद भी ना मुझे नहीं चढ़ाने दिया, बोला फिर से लाइन लगाओ, तो ये मैंने इनको थाली पकड़ा दिया, तब ये जैसे तैसे घुस के चढ़ा दिया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल आए, और यहाँ पे ना जब रास्ते में हम लोग जब आ रहे थे ना तो जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से आए, तो यहाँ पे पंडाल जो बना था ना तो हम लोग पीछे से गए थे, तो और लौटते समय यहाँ का जो अंदर का जो ये दुर्गा माई का पंडाल था ना तो उस उनका वीडियो बनाते हुए हम लोग आ रहे थे, तो ये भी बहुत सुंदर मतलब बनाया गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद अपना जो मैं जहाँ पे पहले गई थी ना तो वहाँ पे यहाँ पे क्या कि अंजलि सब हो गया था, आधा हो गया था आधा बाकी था, तो फिर से मैं अपना इधर चली आई, तो यहाँ पे ना अंजलि अभी एक बार तो हो गया है, अभी दोबारा से शुरू होगा, तो फिर मैं अपना यहाँ आके यहाँ अंजलि दे देती हूँ, और मेरा हर बार अंजलि देना ना यहीं हो पाता है, और ये सब ना अंजलि ही दे रहे हैं, मैं भी यहीं पर खड़ी हूँ। मैं अपना ये चले गए थे घर के तरफ, और फिर मैं अपना अकेले ही यहाँ पे अंजलि वगैरह दे के फिर उसके बाद मतलब जाऊँगी घर, तो यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ, और ये चाबी मेरे पास ही छोड़ गए थे, तो फिर ये फिर आए, फिर उसके बाद हम लोग एक साथ घर आ गए। और यहाँ पे घर आने के बाद देखिए मेरा मतलब कितना मतलब पसीने से चेहरा पूरा हो गया है, भर गया है, और अभी ना और ये सब कपड़े वगैरह चेंज करके अब मैं अपना जो चाय वगैरह बनाऊंगी, और उसके बाद ही मेरा पीना होगा। और मैंने वो जो चनामृत लिया था ना, और ये भी अपना आ गया है, और चनामृत वगैरह पी लिया।
चाय किस 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 को पीना है? हाँ, चाय पूछ रही हूँ, किसको किसको चाय पीना है? चाय पीना? हाँ हेलो, हाँ बोल, क्या कर फोन आल? ये चाय पी और अभी 12:30 बज रहे हैं। 12:30 बज रहे हैं।